जैसे ही कोई कीड़ा या कॉकरोच आपके कान में घुस जाता है तो आप में से ज्यादातर लोग की रूह कांप जाती है कि वो कान के रास्ते आपके दिमाग तक पहुंच के आपके दिमाग को भी खा सकता है, जो पूरी तरह से सच नहीं है। तो फिर हमारे कान में कॉकरोच घुसता ही क्यों है? दरअसल कॉकरोच अक्सर खाने की तलाश में भटकता रहता है और आपके कान की लजीज खुशबू से कान में भी आ जाते हैं, जिससे वो आपके दिमाग तक तो कभी नहीं पहुंच सकते मगर कभी कभी कान में ही फंसे रह जाते हैं।